नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हो कि मानव अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, विशेष करके आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वो हैं जो मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को हमने विस्तृत रूप से देखा। तो इन आर्थिक क्रियाओं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, तीनों प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। पर्यावरण पर इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इन क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि मानव की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और इन आर्थिक गतिविधियों में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो आज हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव। आपके सामने लिखे हुए प्रभाव, इन प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। पहला, कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव अपने भोजन के लिए कृषि कार्य करता है और कृषि कार्य, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में कृषि कार्य था, वो मानव स्वयं करता था, पशु के माध्यम से करता था, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जो आधुनिक कृषि, जो व्यापारिक कृषि, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए कृषि कार्य करता है, तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इस तरह कृषि से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने प्राकृतिक घास स्थलों तथा वनों को नष्ट किया है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो ऐसी स्थिति में उसने जहाँ वन क्षेत्र हुए थे उनको नष्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वन विनाश हुआ कृषि के कारण। वन विनाश होने से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हुआ, साथ ही कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने लगा, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, हमारी मृदा है वो प्रदूषित हो गई। मृदा है उसमें अनुपजाऊपन बढ़ने लगा, साथ ही जल प्रदूषित होने लगा। इन कीटनाशकों के प्रयोग से जल भी प्रदूषित होता, क्योंकि जिस खेत में हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं अथवा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वो बारिश के मौसम में अथवा जल के माध्यम से उस खेत से दूसरे खेत में पहुंचता है और धीरे धीरे वो आगे नदी नालों में भी पहुंच जाता है, तो उन नदी नालों को भी प्रदूषित करता है। साथ ही इन कीटनाशकों और उर्वरकों के माध्यम से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वो रिसाव के माध्यम से वही कीटनाशक जो हम कृषि कार्य में उपयोग में ले रहे हैं, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जो उपयोग में ले रहे हैं, तो वो धरातल के आंतरिक भाग में भी प्रवेश करते हैं, तो आंतरिक जल स्रोत हैं, भूमिगत जल स्रोत, वो भी किसी न किसी रूप में प्रदूषित होते हैं। तो इस प्रकार कृषि के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा है हमारा पशुपालन। पशुपालन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन हमने प्राथमिक क्रियाओं में किया, द्वितीयक क्रियाओं में भी किया। एक तो पशुपालन, पशुचारण था, और एक पशुपालन था। तब धीरे धीरे मानव
पशुओं को पालता है और पशुपालन भी व्यापारिक स्तर पर होने लगा, क्योंकि पशुपालन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग भी करता है, दूध और दूध से बने उत्पादों निर्मित करता है, उनको बेचता है, तो ये व्यापारिक बड़े स्तर पर होता है। पशुपालन के कारण निरंतर वन क्षेत्र उसका कटाव शुरू हो गया, क्योंकि एक तो भूमि की कमी थी, तो ऐसे स्थिति में वो पशुपालन के लिए भी वनों को नष्ट करता है। साथ में ही पशुओं के चराने के लिए जो वन थे उसको चरागाह में बदल दिए, तो ये चरागाह के कारण भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, क्योंकि वन क्षेत्रों का मानव ने नष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बड़े पैमानों पर वनों को काटकर चरागाह विकसित किए गए, इससे पर्यावरण का अवनयन हुआ। साथ ही अनियंत्रित पशुचारण से वनस्पति नष्ट हुई, क्योंकि पशुचारण भी अनियंत्रित होगा तो वनस्पति वो नष्ट हो जाती, तो जिससे क्या होता है, मृदा का अपरदन भी बढ़ता है। तो ये पशुचारण से भी मृदा का अपरदन हुआ, तो इस अपरदन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तीसरा हमारा कारक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, आर्थिक क्रिया है हमारी खनन, तो खनन का पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की खनिजों का खनन करता है। अब अगर यह खनन क्षेत्र वन क्षेत्रों में स्थित हैं तो वो भारी मात्रा में वनों का विनाश करेगा, जिससे पर्यावरण में अवनयन होगा। साथ ही खनन क्षेत्र पर बने विशाल गर्त और मलबे के ढेर से क्या होगा, भूमि सदा के लिए बंजर हो जाती है, वो भूमि कुछ काम की नहीं रह जाती। एक बार खनन कर लिया और खनिज निकाल लिए, उसके बाद वो विशाल गर्त बन जाता है, वो विशाल गर्त किसी काम में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में उन विशाल गर्तों में भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये बंजर भूमि बन गई, क्योंकि उसके मलबे के ढेर खनन जहाँ होगा वहाँ वेस्ट मटेरियल डाला जाएगा, अवशिष्ट पदार्थ वहाँ पे इकट्ठे होंगे और उसको डाल दिया जाएगा, तो इससे भूमि है वो बंजर हो जाएगी, आसपास की भूमि। तो इस तरह खनन से क्या होगा, भूमि बंजर होने की, साथ ही खनन से मृदा अपरदन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भूमि की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है। खनन में क्या किया जाता है, भूमि की ऊपरी परत है उसको हटा दिया जाएगा, तो मृदा अपरदन बढ़ जाता है। तो इस तरह खनन के माध्यम से मानव ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही अगर देखा जाए तो खनन के लिए विभिन्न प्रकार के विस्फोट किए जाते, तो इन विस्फोट से क्या होगा, आसपास के भूमि में कंपन पैदा होगा, तो भूस्खलन में वृद्धि हो जाती है। साथ ही वहां पर प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले प्राणियों की क्रियाकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतु है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खनन से जहां एक स्थल भाग प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषित होती है, भूमि बंजर होती है, तो दूसरी ओर जल भी प्रदूषित होता है, क्योंकि इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों में बहता हुआ जल नदी नालों में जाता है वर्षा के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो वो जल है वो प्रदूषित होता है। साथ ही वायुमंडल में धूल के कण आदि उड़ते हैं, तो इनके माध्यम से वायु प्रदूषण भी होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अनियोजित और अनियंत्रित खनन से पर्यावरण में ह्रास होता है। चौथा कारक है आपके सामने औद्योगीकरण, जो आर्थिक क्रियाकलाप है औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, तो इसके कारण औद्योगीकरण की गति तीव्र हो गई,
चाहे विकसित देश अथवा विकासशील देश, वहाँ पे औद्योगिकरण की गति बढ़ रही है, तो इसके दुष्प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ते हैं औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण के कारण स्थलभाग, जलभाग और वायु तीनों प्रदूषित होते हैं। स्थल का मतलब भूमि, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में चलाने के लिए जल का भी प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है, और साथ में ही जो उत्पाद वहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं उनके कुछ अवशिष्ट भाग भी बचे होते हैं। वो अवशिष्ट भाग नदी नालों के माध्यम से आसपास की ज़मीन पर फैला दिए जाते हैं, तो नदी नालों के वर्षा के जल के माध्यम से नदी नालों के होते हुए इन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण स्थल, जल और वायु तीनों प्रदूषित होते हैं। साथ ही उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी भूमि को प्राप्त करने के लिए वन संपदा को नष्ट किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने हैं तो विशाल मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी, तो इन वनों को नष्ट करके वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वन विनाश होता है। तो वन विनाश से निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। साथ ही जो उद्योग चल रहे हैं उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, इससे वायु प्रदूषित होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उनकी चिमनियों के माध्यम से धुएं को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हैं, तो उन उद्योगों को धुआं निकलता है, तो धुआं है वो, क्योंकि उसके अंदर केवल धुआं नहीं है, वहाँ पे केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है, तो केमिकल भी यानी रासायनिक पदार्थ भी वायुमंडल में को हानि पहुँचाते, उनका प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह वायु प्रदूषित भी होती है। तो इस प्रकार उद्योगों से निकले अवशिष्ट पदार्थ वह नदियों को भी प्रदूषित करते हैं। तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की तीव्रता के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है, चाहे वो प्रदूषण के रूप में हो अथवा अन्य रूप में। पांचवा हमारी आर्थिक क्रिया है परिवहन। परिवहन का भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल में परिवहन के सीमित साधन थे, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए परिवहन के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। मानो पहले पैदल जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन वर्तमान में वो विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का प्रयोग करता है। पहले सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता था तो प्रदूषण कम होता था, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का परिवहन का साधन उपलब्ध है। एक घर में चार व्यक्ति हैं तो चारों के पास अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन परिवहन के साधनों के माध्यम से धुआं वायुमंडल में उत्सर्जित किया जाता है, क्योंकि हानिकारक धुआं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल हमारा प्रदूषित होता है। साथ में ही वायुयानों और रॉकेटों के माध्यम से भी हमारे जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी परत है वो प्रदूषित हो रही है अथवा नष्ट हो रही है। जैसे ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल का क्षरण हो रहा है इसके कारण। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से हम वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर बात की जाए वायुमंडल के प्रदूषण के स्रोतों की, तो सर्वाधिक 42% प्रदूषण
परिवहन के माध्यम से ही होता है, परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से ही हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे परिवहन के साधनों की संख्या बढ़ती है तो हमारा पर्यावरण का विनाश भी होता है। तो इस तरह हमने विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। धन्यवाद।